हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शिव धवल, आपका स्वागत है सीधे इलेक्ट्रिकल का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो फुट लाइट है, फुट लाइट को कैसे और कहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों, जो फुट लाइट है वो मान के चलो, फुट मतलब पैर, ठीक है ना। वो मतलब जो फर्श लेवल है, वह फर्श लेवल से मतलब दो ईंटा की ऊंचाई पर लगाया जाता है, जहाँ पर स्केटिंग जो लगता है, स्केटिंग जो टाइल्स का स्केटिंग बनता है उसके ऊपर आ जाए तो वो सही रहता है, तो उसी को फुट लाइट बोलते हैं। ये मान के चलो, जहाँ बैठक रूम हो गया, जहाँ पर ज़्यादा सामान ना रखें वहाँ पर लगाया जाता है इसको, ठीक है। और जैसे बोर्ड हो गया, उसके मतलब सेंटर से लेते हुए लगाया जाता है। जैसे 12 बजे का बोर्ड लगा तो उसको सेंटर में रख के उसको लगाते हैं। इसके लिए हमने ये कटिंग कर लिया है, और जहाँ पर उसको ज़रूरत हो तो छेनी थोड़ी सी सहायता लिया जा सकता है, ठीक है। इसको स्केटिंग में ना फंसे इस हिसाब से लगाया जाता है फुट लाइट। इसमें लगता है 4 मॉड्यूलर का एक मेटल बॉक्स लगाया जाता है, पहले इंस्टॉल किया जाता है। जैसे बोर्ड लगाएंगे तो उसी के अनुसार उसी समय ये सब इंस्टॉल कर दिया जाता है। बाद में जब बोर्ड का कनेक्शन होता है तो उसी समय इसमें भी एक फुट लाइट आता है, फुट लाइट लगा दिया जाता है, तो इसको फुट लाइट बोलते हैं। और ये सब हर कलर में आता है, नाइट में या जब कार्यक्रम हो तो इसको ऑपरेट कर देते हैं, तो वहाँ का जो शो होता है वो थोड़ा अच्छा दिखने लग जाता है। छेनी थोड़ी से अपने को साइज के अनुसार वहाँ पर झीरी कटिंग कर लेते हैं। पहले तो हम लोग मशीन से ही करते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा रहता है कोर और, वो मशीन से नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग का थोड़ा बहुत छेनी थोड़ी से भी सहायता ले लेते हैं। कोर जो है मशीन से साफ़ नहीं हो पाता है, और अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा स्पेस बना देते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन से हल्का करके थोड़ा बहुत हम हाथ से ही कर देते हैं, तो सफाई भी अच्छा रहता है, ज़्यादा ईंट जो होती है उन्हें उसका नहीं फूटता है। उसका जो मार्किंग दिया रहता है, जो मेटल बॉक्स है 4 बजे का, वो मार्किंग दिया रहता है कि इतना तक मतलब दीवार के अंदर रहेगा, तो उस हिसाब से इसको सेट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया फिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।